हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा CSS एनिमेशन के एक और नए प्रॉपर्टी के बारे में। उसका नाम है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ये जो 3 आपका प्रॉपर्टी है, इसके इन 3 प्रॉपर्टी को पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं बता दिया हूँ। आज के वीडियो में इसको मैं अच्छी तरह से आपको बताकर दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सिंपल सा आपको कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लीजिए और आप बॉडी में आ जाइए। और बॉडी में आने के बाद आप डिव टैग बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स 9 डिव टैग बना लीजिए। और इस तरह से हर एक में क्लास लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसमें आप लीनियर इज आउट में ये किस लिए लिखा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए इसका इतना सारा वैल्यूज है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको लिखा हूँ। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आप स्टाइल में आइए और डिब को सेलेक्ट कीजिए और मैक्स विड्थ दीजिए 100 पिक्सल और मीन हाइट दीजिए 60 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लैक, कलर वाइट, फॉन्ट फैमिली क्लियरली, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, पैडिंग 5 पिक्सल और मार्जिन बटन 5 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रहे, और बॉक्स साइजिंग में जो पैडिंग से विद हाइट ना बढ़े उसके लिए, और पोजिशन इधर उधर लेफ्ट करने के लिए। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। सिंपली सबसे पहले मैं इसमें एनिमेशन लगाकर आपको दिखाता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट मेरे वीडियो को आप फॉलो करते होंगे तो आपको इन सभी के बारे में पता ज़रूर ही होगा। एनिमेशन दीजिए, एनिमेशन का आप कुछ भी नाम दे दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, ABC नाम दे देता हूँ और ये 2 सेकंड चले और 1 बार ये एनिमेशन चले। उसके बाद मैं दूंगा ये इधर की फ्रेम्स और उसके बाद एनिमेशन का नेम, उसके बाद दूंगा फ्रॉम। अगर आप इनसे फ्रॉम और टू के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, फ्रॉम में 0% और इसके बाद मैं लिखूंगा टू इस तरह से, तो टू मीन्स 100%। तो मैं चाहता हूं कि फ्रॉम में टॉप से 0% और लेफ्ट से भी 0% रहे, मगर यही जब टू में जाए मीन्स 100% में जाए तो जो टॉप का वैल्यू है इस तरह से, जो टॉप का वैल्यू है वो 0 ही रहे बट लेफ्ट में 600 पिक्सल तक चला जाए। सेव कीजिए और मैं यहां से इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा ये इस तरह से एनिमेशन किया, फिर यहीं पे आ गया। अब यहाँ पे आता है इसका उपयोग करना, लिनियर इज। सिंपली जो जो आप क्लास दिए हैं उसी का उपयोग कीजिए। तो पहले में क्लास में है तो सिंपली आप इसके बाद या पहले, तो मैं इससे पहले ही क्लास देता हूँ 1 और इसमें सिंपली मैं लिखता हूँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन और इसमें लिनियर डिफाइन कर दूंगा। इसी तरह इसी को मैं कॉपी करूंगा इस तरह से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे इसका वैल्यू 2 कर दूंगा और इसमें क्या लिखा हूँ, इज लिखा हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे इज कर दूंगा और सिंपली इसी को एक बार और पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसका नेम दे दूंगा 3 और 3 में क्या है, इज इन है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इज इन लिख देता हूँ इस तरह से, फिर मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे 4 कर दूंगा और 4 में क्या डिफाइन हुआ, इज आउट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज आउट। तो फ्रेंड्स आप बोल्ट नहीं हो रहे हैं तो सिंपली आप इस वीडियो को देखें, बोरिंग फील नहीं करें। आप 4 हो गया, इसके बाद 5 कीजिए, 5 में लिखा हुआ है इज इन, इज इन आउट लिखा हुआ है या और कुछ लिखा हुआ है, इज इन आउट लिखा हुआ है तो इज इन आउट कर दीजिए और एक बार और पेस्ट कीजिए। और 6 के लिए आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो 6 में क्या है, इज इन आउट के बाद स्टेप स्टार्ट।
तो लिनियर को रिमूव कीजिए और लिखिए स्टेप स्टार्ट। फिर यहाँ इसके बाद आप सेवन के लिए बनाए, सेवन में आप लिखिए स्टेप एंड, स्टेप एंड लिख दिए सेवन के। एट के लिए स्टेप्स लिखिए, तो ठीक है। इसके बाद आप एट लिखिए असेंबल पर, सबसे पहले इसको आप पेस्ट कीजिए, वन को रिमूव कीजिए और लिखिए एट, और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का वैल्यू आप दीजिए स्टेप्स, मैं लिखता हूँ 5, उसके बाद एंड। सिंपली इसके इसको फिर एक बार पेस्ट करता हूँ और 8 के बाद 9 देता हूँ, और 9 के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूबिक बेजियल, उसके बाद यहाँ पे 4 वैल्यू देना होगा, तब मैं 1111 देता हूँ, सेव करता हूँ। आप ध्यान से इसको देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप ध्यान से देखिएगा, यही पहले क्या था, एक बराबर यहाँ से आपका ये जो ऑब्जेक्ट है डी भाई इस तरह से मूव होकर यहाँ पे आ चुका था, बट किसी का स्पीड कम होगा, किसी का स्पीड ज़्यादा होगा, मीन्स स्पीड को डिफाइन करने के लिए ही इसको किया जाता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, मीन टाइमिंग मीन्स किस टाइम पे जाए उसी को इतना सारा वैल्यू में डिफाइन करते हैं। तो फिर एक बार देख लीजिए कौन फर्स्ट जाता है, कौन सेकेंड में जाता है। तो इसका सबसे जो फास्टिंग है आपको दिखा दूँ, सबसे फास्टिंग है स्टेप स्टार्ट का, ये एक बाइक आ जाता है, इसमें कोई एनिमेशन आपको नहीं होगा इस तरह से। और उसके बाद सब ठीक है ठाक है, यहाँ पे लिनियर भी इज भी आपको इस तरह से इफेक्ट आपको दिखेगा। और इसको आप ध्यान से देखिएगा, स्टेप फोर स्टेप फोर एंड को आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। इसी में हम लोग बदलाव करके और देखते हैं, 8 में आते हैं, यहाँ पे जो 5 है इसको मैं 10 कर देता हूँ। सिंपली सेव करने के बाद मैं इसको रिप्लेस करूँगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 10 स्टेप में आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार और इसके कोड को मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आप कोड को लिखिएगा, और स्टाइल में आने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले डिब को एक ही बार में आपको डिजाइन कर लेना है, उसके बाद क्लास के माध्यम से सिर्फ आपको एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लिखना है, और जो यहाँ पे मैं वैल्यू को दिया हूँ उसको ही उसको वैल्यू को यहाँ पे आपको को लिख लेना है इस तरह से। और एक ही बार एनिमेशन में आप फॉर्म 2 के माध्यम से आप डिफाइन कर दीजिए कि 0% पर क्या होगा और 100% पर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो चलिए कोई एक और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।